विजयनगर व्यापारी संघ की बैठक का आयोजन किया गया और अग्रसेन वार्ड के पार्षद कमलेश अग्रवाल का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। क्षेत्र की शराब की दुकान है, जिसके चलते सड़क के किनारे शाम को शराबखोरी की समस्या से अवगत कराते हुए शराब की दुकानों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग व्यापारी संघ के पदाधिकारी ने बताया कि रात में शराब की दुकान होने के कारण यहां पर शाम होते ही सड़क शराबियों का अड्डा बन जाती है, महिलाओं का यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। समस्या पर पार्षद ने कलेक्टर से चर्चा कर समस्या निराकरण करने का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने साथ ही अन्य समस्याओं के बारे में भी पार्षद कमलेश अग्रवाल को अवगत कराया और नेता प्रतिपक्ष जी को विजयनगर व्यापारी संघ के माध्यम से यहाँ पे बुलवाया था, उनका स्वागत सत्कार किया और हमारी जो मेन समस्या थी यहाँ पे शराब की दुकान की, जो आए दिन शाम के टाइम यहाँ पे ना महिलाएं निकल पाती हैं, अव्यवस्था इतनी रहती है, ना बच्चे वहाँ निकल पाते हैं, ना महिलाएं निकल पाती हैं और आए दिन लड़ाई झगड़ा जो होता है उन सब के विषय में उनसे बात की है तो उन्होंने हम लोगों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया है कि कलेक्टर साहब से समय लेके आप सब लोगों के साथ में जाके कलेक्टर साहब से इस दुकान को अलग करने के लिए हम स्वयं चर्चा करेंगे और इसका उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। मैं सचिन श्रीवास्तव विजयनगर व्यापारी संघ का संयोजक हूँ। नेता प्रतिपक्ष और हमारे क्षेत्र के पार्षद कमलेश अग्रवाल जी को यहाँ बुलवाया था और उनका स्वागत सत्कार किया और उसके बाद अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के विषय में उनको जानकारियाँ दी कि जिस तरीके से यहाँ पे रोज रात में अंधेरा होने के कारण आते और दारू की दुकान के पीछे अधिन अव्यवस्था रहती है तो इन सब के लिए और सुबह से यहाँ पे ईंटों की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे रोड जाम हो जाती है, इन सब के बीच में और भी रोड की नाली की समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया है, जिसमें उन्होंने हमको एक महीने का समय दिया है और आश्वासन दिया कि हम इस कार्य में आप लोग एक महीने के बाद हमसे आप पूछ रहे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया और हमने शराब दुकान के विषय में भी उनसे बात की तो उन्होंने हमको कलेक्टर से मिलकर बात करके बताया है कि हम इन सब में आगे हम उनसे बात करने के लिए हम चर्चा करके फिर आप लोगों के साथ में वहां पे जाके चर्चा करना है कलेक्टर साहब से और उसके बाद में इसको अपन अलग करवाने की प्रक्रिया के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। बात सही नहीं भी व्यापारी संघ का सम्मान और बैठक के लिए तो जो व्यापारियों की कुछ समस्याएँ हैं उसको किस तरीके से हल करवाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि दारू की समस्याएँ हैं और जो अवैध जो टपरे लग रहे हैं उसकी समस्याएं सामने आई, किस तरीके से आप प्रयास करेंगे इसको? निश्चित रूप से आज विजयनगर व्यापारी संघ के द्वारा मुझे बुलाया गया, सम्मान भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हैं क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे इनकी दुकानें एक तो वहाँ पे विकास के काम नहीं, ना वहाँ नाली है, ना रोड है, ना किसी प्रकार की अच्छी व्यवस्था है। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत व्यवस्था है, यहाँ ऑटो वाले जहाँ चाहे वहाँ खड़े कर देते हैं, उससे उनके व्यापार को बहुत दिक्कत जाती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ दारू की दुकान की, क्योंकि दारू की दुकान से यहाँ पे पूरा रेसिडेंशियल पीछे एरिया है, आमने सामने अच्छे व्यापारी हैं, मगर दारू की दुकान के सामने पूरा फुटपाथ दारू पीने वालों के साथ 6 बजे के बाद भर जाता है। इसके कारण यहाँ पे कोई महिला बाहर निकल नहीं पाती, कोई पुरुष बाहर घूम नहीं पाते, बच्चे निकल नहीं पाते, ये बहुत बड़ी यहाँ की समस्या है। हम सभी ने आज एकमत होकर निर्णय लिया है कि हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और ये जो दारू की दुकान है इसके लिए कहीं ना कहीं हम रोक लगाएंगे और इसको बंद कराएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे बाजू में एक 20 मीटर की दूरी में स्कूल भी है, बच्चों का स्कूल भी है और उस स्कूल के कारण भी बच्चों में गलत असर हो रहा है और लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि विजयनगर के जो व्यापारी हैं अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनका किसी प्रकार का कोई विकास के काम नहीं हुए, इनसे लगातार JDA ने किराया ली, मकान मालिक हैं, सब कुछ है, मगर इनको जो व्यवस्था मिलना चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिल रही। इनका कहना है कि लगातार थाने में सूचना भी दी गई लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं भई है। इसके लिए हमने बात की है कि हम SP के पास भी जाएंगे, लगातार इस बात को वहाँ बात भी रखेंगे और अभी कुछ समय पहले कार्रवाई भी हुई और यहाँ पर एक समस्या और है कि यहाँ पर ईंटें ट्रकों में ईंटें भर के खड़े रहते हैं, वो भी बहुत बड़ी समस्या है, उसके कारण पूरी रोडें खराब हो रही हैं, नालियाँ तोड़ दी उन लोगों ने और ज़बरदस्ती का न्यूसेंस बना के रखे। इन सब को देखते हुए हम इसकी मांग करेंगे, कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, SP साहब से मिलके हमारे विजयनगर व्यापारी संघ के लोगों का हम जितना हित हो सकेगा वो करेंगे और आने वाले समय में आपको इसका अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा।